सबसे पहले एनईसी लिंक के एलसीडी पोर्ट पर लैन कनेक्ट करेंगे ताकि लॉगिन कर सकें, और हम आईपी डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। हमें इसमें कोई स्पेसिफिक आईपी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलसीडी पोर्ट से लैन पोर्ट कनेक्ट कीजिए। क्रोम में लॉगिन से इसमें आईपी एड्रेस डालेंगे 172.17.254.253। यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है 1234567 8। यूज़र नेम में एडमिन का ए कैप्स में है, ठीक है। ये हम लॉगिन कर चुके हैं। उसके बाद आज हम एक टनल पोर्ट क्रिएट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इथरनेट पोर्ट अप करेंगे प्रोविजनिंग में, इथरनेट पोर्ट सेटिंग में, ठीक है। यहाँ मैं पोर्ट 3 को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, पोर्ट यूज इज इनेबल। पोर्ट नेम अगर आप चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ दे दिया खरखड़ी dslam। ठीक है, ये पोर्ट हमने इनेबल कर दी है। अब हम इसमें VLAN ऐड करेंगे, तो VLAN सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। ये VLAN सेटिंग ओपन हो चुका है। यहाँ हमने पहले 2 VLAN हैं हमारे पास, जो कि 3G ट्रैफिक के लिए यूज़ कर रखे हैं। अब हम dslam के लिए एक नया VLAN ऐड करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट VLAN पता है तो ठीक है, अदरवाइज टनल पोर्ट में स्पेसिफिक VLAN की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप डाल सकते हैं इस रेंज में 1 से 4094 की, ठीक है। VLAN ID अपनी तरफ से डालिए, VLAN सर्विस नेम दीजिए। मैं पोर्ट नेम और VLAN सर्विस नेम सेम दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है। हमारा एक VLAN ऐड हो गया। अब VLAN को हम पोर्ट पे ऐड करेंगे, तो उसका देख लेते हैं। जैसे पोर्ट 3 के आगे हमने खरखड़ी dslam दिखा रहा है हमें, तो हमें इसके साथ ये VLAN अटैच करना है, तो पोर्ट 3 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पोर्ट टाइप एक्सेस है, यहाँ टनल सेलेक्ट करेंगे और 125 जो कि इसका VLAN हमने क्रिएट किया था वो ऐड करेंगे, टिक करेंगे और ओके। ठीक है, यहाँ हो चुका है। अब हमें यही VLAN मॉडम के साथ भी ऐड करना है, ठीक है। 2 ऑलरेडी ऐड थे, तीसरा हमने कर दिया है। मॉडम के साथ ऐड करने का मतलब है हम इसे फार एंड पर किसके थ्रू भेज रहे हैं, ये VLAN हम मॉडम के थ्रू भेज रहे हैं। मॉडम में हमेशा ट्रंक रहता है, मॉडम में टनल सेलेक्ट नहीं होता। ये हम सेम कॉन्फ़िगरेशन हम फार एंड पे भी करेंगे। टनल पोर्ट में हम कोई भी मीडिया थ्रू कर सकते हैं, कोई उसके लिए स्पेसिफिक VLAN की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं। dslam थ्रू किए जा सकते हैं, कोई लीज लाइन है वो थ्रू की जा सकती है, तो और minilink
के यहाँ भी सेम वही करेंगे, इथरनेट पोर्ट सेटिंग, दोनों एंड पे सेम पोर्ट इनेबल करेंगे, सेम वीलैन आईडी देंगे, अदरवाइज हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोर्ट यूज इनेबल किया, स्पीड ऑटो रखते हैं। ठीक है, ये इनेबल हो चुका है। अब वीलैन सेटिंग में जाएंगे, एक वीलैन ऐड फार एंड पे भी करेंगे। ठीक है, वीलैन लिस्ट ऐड वीलैन आईडी, जो उधर दिया था 125 सर्विस नेम अगर डिफरेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वीलैन और पोर्ट इनेबल जो किया वो सेम होना चाहिए। क्योंकि मॉडम स्पेसिफिक वीलैन को फार एंड तक लेके जाता है। ये भी सेम जैसे सीपी कॉन्फ़िगरेशन में केएलएम वैल्यू जो भी दी हैं वही फार एंड पे भी वही केएलएम वैल्यू यूज होनी चाहिए उस तरीके से। यहाँ भी पोर्ट टाइप एक्सेस के बजाय टनल सेलेक्ट करेंगे, वीलैन आईडी टैग करेंगे और ओके। ठीक है, ये पोर्ट 3 पे ये वीलैन बाइंड हो चुका है। सेम वे मॉडम पे भी यही वीलैन टैग करेंगे। ठीक है, तीनों वीलैन टैग रखने हैं क्योंकि मॉडम के थ्रू हमें सभी का सभी मीडिया फार एंड तक भेजना है। जिसको भी अनटैग कर देंगे उस पर जो भी थ्रू है BTS है dslam lease कुछ भी, अगर वो अनटैग हो जाता है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ भी अब देख सकते हैं पोर्ट 3 के आगे कार खड़ी dslam vlan id 125 और पोर्ट टाइप टनल, vlan सर्विस नेम भी कार खड़ी dslam है। ठीक है, दोनों साइड परफेक्ट मैच, देख लेते हैं कहीं कुछ रह ना गया। ठीक है, ये सब था NEC लिंक में इथरनेट पोर्ट को टनल टाइप में यूज़ करने के लिए। टनल टाइप का यूज़ यही है, उस पर आप कोई भी मीडिया थ्रू कर सकते हो बिना वीलैन स्पेसिफिक वीलैन एड्रेस पता हुए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस चीज़ को अपनी सर्विस लाइफ में अपनी सर्विस में यूज़ करेंगे और BSNL के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।